आगे हम बात करते हैं इम्यूनिटी की। तो एवरीडे जो हमारी बॉडी है वो बहुत सारे इन्फेक्शियस एजेंट्स के लिए एक्सपोज रहती है, लेकिन उनमें से कुछ ही एक्सपोजर डिजीज में कन्वर्ट होते हैं, यानी कुछ ही को बीमारी होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी खुद को डिफेंड करने की एबिलिटी रखती है किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स के अगेंस्ट। तो आगे हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ इम्यूनिटी। तो हमारी बॉडी की जो एबिलिटी है फाइटिंग अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग एजेंट्स, इसी को हम बोलते हैं इम्यूनिटी। यानी मेरी बॉडी की जो रेजिस्टेंस पावर है, जो डिफेंस पावर है, किससे फाइट करने की, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से फाइट करने की, इसी एबिलिटी को हम बोलते हैं इम्यूनिटी। ओके, आगे बात कर रहे हैं हम टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। तो पहला होता है इननेट इम्यूनिटी और दूसरा होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो आइए देखते हैं इननेट इम्यूनिटी। इननेट इम्यूनिटी कैसा होता है? नॉन स्पेसिफिक होता है और ये जन्म से ही प्रेजेंट रहता है, एंड इट इज प्रोवाइडेड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स। इसमें कुछ बैरियर्स होते हैं और इन बैरियर्स को हम पढ़ते हैं। तो टोटल चार टाइप के बैरियर्स की बात कर रहा है एनसीईआरटी। तो पहला होता है हमारा फिजिकल बैरियर्स, इसमें आता है स्किन और म्यूकस कोटिंग ऑफ द एपिथेलियम। ठीक, तो इसमें स्किन और म्यूकोसा की बात की जा रही है। तो ये दोनों ही चीजें क्या करती हैं? बॉडी के अंदर एंटर करने वाले माइक्रोब्स को प्रिवेंट करती हैं, उनको रोकती हैं। ओके, सेकेंड नंबर पे हमारा फिजियोलॉजिकल बैरियर है। इसमें बॉडी के सीक्रेशंस आते हैं, जैसे स्टमक के अंदर एसिड निकलता है, माउथ के अंदर सलाइवा निकलता है, और जो आंखों से टीयर्स निकलते हैं, ये सब माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकते हैं। अगर हम थर्ड नंबर की बात करेंगे तो उसका नाम होता है सेलुलर बैरियर्स, इसी को हम बोल सकते हैं फैगोसाइटिक बैरियर्स। तो इसमें कुछ सर्टेन टाइप्स के WBCs रहते हैं, जैसे पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, इसको हम बोलते हैं PMNL या न्यूट्रोफिल्स। इसके अलावा मोनोसाइट्स और नेचुरल किलर सेल्स। अगर हम नेचुरल किलर सेल्स की बात करेंगे तो ये लिम्फोसाइट्स के ही टाइप होते हैं, और ये जो तीनों सेल्स के मैंने नाम लिए, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, नेचुरल किलर सेल्स, ये कहाँ होते हैं? ब्लड में रहते हैं। इसके अलावा टिश्यूज में क्या होते हैं? मैक्रोफेज। तो ये दोनों टाइप के सेल्स जो ब्लड में और टिश्यूज में हैं, ये दोनों टाइप के सेल्स मिलकर फेगोसाइटोसिस का काम करेंगे और फॉरेन पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो लास्ट इसमें आता है फोर्थ नंबर का साइटोकाइन बैरियर्स। इसमें क्या होता है? जो वायरल इन्फेक्टेड सेल्स रहती है वो कुछ प्रोटीन को सिक्रेट करती है, उसको बोलते हैं हम इंटरफेरॉन। और ये जो इंटरफेरॉन है ये नॉन इन्फेक्टेड सेल को वायरल इन्फेक्शन से बचाने का काम करता है। ये था हमारा इननेट इम्यूनिटी। आगे हम बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है जो इम्यूनिटी आप में जन्म के बाद डेवलप होती है, ये पैथोजन स्पेसिफिक होती है। इसका जो मेन करेक्टर होता है वो होता है मेमोरी, यानी ये किसी भी इन्फेक्शन के खिलाफ जो मेमोरी है उसको स्टोर कर लेता है, और फ्यूचर में जब वो इन्फेक्शन होगा तो उसके अगेंस्ट ये अपना काम आसानी से कर पाएगा। तो जब भी हमारी बॉडी पर पैथोजन का पहला एनकाउंटर होता है, पहला अटैक होता है, तो बॉडी उसको लो इंटेंसिटी का इम्यून रिस्पॉन्स देती है, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। लेकिन आगामी सेम पैथोजन जब हम पे अटैक करेगा तो हमारी बॉडी उसके लिए हाई इंटेंसिटी का रिस्पॉन्स देगी, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी और एनेमनेस्टिक रिस्पॉन्स। अभी जो प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है, ये दो स्पेशल टाइप के लिम्फोसाइट से प्रोवाइड किया जाता है। पहला होता है बी लिम्फोसाइट्स, दूसरा होता है टी लिम्फोसाइट्स। तो जो बी लिम्फोसाइट्स है ये एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करके हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, और जो टी लिम्फोसाइट्स है ये एंटीबॉडीज तो नहीं बनाता है लेकिन बी लिम्फोसाइट की हेल्प करता है कि वो एंटीबॉडीज बनाए। हम एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हर एक एंटीबॉडी में चार पेप्टाइड चेन्स होते हैं, जिसमें टू स्मॉल लाइट चेन्स होते हैं और टू लॉन्गर हैवी चेन्स होते हैं, और ये दोनों ही कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं? H2L2। हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं, जैसे IgA, IgM, IgE, IgG। ऊपर स्ट्रक्चर के बारे में बात की है तो हम इसके बारे में बात करते हैं। ये देखो, एक लाइट चेन ये है और एक लाइट चेन ये है, तो दो क्या है हमें? लाइट चेन। ये क्या है? लॉन्गर हैवी चेन। तो हमें दो लाइट चेन है और दो हैवी चेन है, और ये वाई शेप मैनर में अरेंज है। ठीक है, तो चाहे वो लाइट चेन हो चाहे हैवी चेन हो, ये आपस में, चाहे दोनों हैवी चेन हो, ये आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। अब लाइट चेन हैवी चेन का जो स्टार्टिंग पार्ट है, देखो ये वाला पार्ट,
इसको बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट या पैराटोप। तो ये बहुत ही स्पेशल होता है, बहुत ही स्पेसिफिक होता है और एक पर्टिकुलर एंटीजन को ही होल्ड करता है, इसलिए तो हम बोलते हैं एंटीजन एंड एंटीबॉडीज आर स्पेसिफिक। ओके, तो एक एंटीबॉडी के मॉलिक्यूल में कितने एंटीजन बाइंडिंग साइट होते हैं? दो, एक और दो। तो किसी एंटीबॉडी में कितने मोनोमर हैं उसके अकॉर्डिंग हम एंटीजन बाइंडिंग साइट को भी निकाल सकते हैं। एक मॉलिक्यूल में, एंटीबॉडी के एक मॉलिक्यूल में दो एंटीजन बाइंडिंग साइट होते हैं। ओके, आगे देखो जरा, ये जो आपका एंटीबॉडीज है ये बी लिम्फोसाइट से बनता है और कहां पर रहता है? ब्लड में रहता है। तो ब्लड मतलब लिक्विड, लिक्विड को हम बोलते हैं ह्यूमर। तो जो एंटीबॉडी आप में इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा उसको हम बोलेंगे ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स या एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स। ये पहले टाइप का इम्यून रिस्पॉन्स हो गया। और जो दूसरे टाइप का इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो टी लिम्फोसाइट प्रोवाइड करता है, तो हम इसको बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स या CMI। ओके, आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी हमारा ऑर्गन जैसे हार्ट, आई, लीवर, किडनी अपना काम करने में फेल हो जाते हैं तो हमको उनको ट्रांसप्लांट करने की आवश्यकता पड़ती है। तो जब भी कोई ग्राफ्ट हम इम्प्लांट करते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाता है सूनर और लेटर, जल्दी या कुछ समय बाद। तो जब भी हम कोई ट्रांसप्लांटेशन करते हैं या ग्राफ्ट का इम्प्लांट करते हैं तो उसके पहले हमें क्या करना पड़ता है? टिश्यू मैचिंग करना पड़ता है, ब्लड ग्रुप मैचिंग करना पड़ता है। इसके अलावा पेशेंट को इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग भी लेना पड़ता है, क्योंकि हमारी बॉडी में एक क्षमता होती है, एक एबिलिटी होती है कि वो डिफरेंस कर सकता है सेल्फ और नॉन सेल्फ में। तो जो ग्राफ्ट रहेगा बॉडी के लिए क्या बन जाएगा? नॉन सेल्फ। और जो हमारे बॉडी के खुद के सेल्स है वो क्या हो जाएंगे? सेल्फ। तो कुल मिला के जो ग्राफ्ट हम इम्प्लांट करते हैं उसका रिजेक्शन किसकी वजह से होता है? सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, या एक ऑप्शन क्या हो सकता है? टी लिम्फोसाइट। अगर आप मुझसे पूछोगे एग्जैक्ट आंसर तो मैं बोलूंगा किलर टी सेल, यानी ग्राफ्ट रिजेक्शन इज डन बाय किलर टी सेल। ओके, तो ये सारे ऑप्शन सही होंगे। एनसीईआरटी में लिखा है सिर्फ CMI, तो आप इसको फॉलो कर लो, लेकिन ऑप्शन चेंज करके भी आ सकते हैं। आगे हम बात करते हैं एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी की। तो देखो जरा, हम कई सारे एंटीजन्स के लिए एक्सपोज रहते हैं, उनके कॉन्टेक्ट में आते हैं, और वो एंटीजन लिविंग और डेड माइक्रोब भी हो सकते हैं, कुछ दूसरे प्रोटीन्स भी हो सकते हैं। तो जब भी वो हमारे कॉन्टेक्ट में आते हैं तो हमारी बॉडी एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करता है। ओके, इसको हम बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। और जो एक्टिव इम्यूनिटी है वो स्लो रहता है, क्योंकि अपना फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स देने के लिए कुछ टाइम लेता है, है ना। अब आगे देखो, इंजेक्टिंग ऑफ माइक्रोब्स ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन, यानी इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन के दौरान हम जो माइक्रोब्स का इंजेक्शन लगाते हैं, या कोई इन्फेक्शन आपको नेचुरली आपको अटैक कर दे या इन्फेक्ट कर दे, तो ये दोनों ही कंडीशन में आप में क्या होगा? एक्टिव इम्यूनिटी इंड्यूस होगी। लेकिन अगर हम किसी पेशेंट को या पर्सन को रेडीमेड एंटीबॉडीज प्रोवाइड करते हैं, उसको देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तो जो इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन है, यानी जो माँ बच्चे को दूध पिलाती है, तो स्टार्टिंग का जो स्टार्टिंग डेज का जो मिल्क है उसको हम बोलते हैं कोलोस्ट्रम, और ये येलोइश कलर का रहता है। ये किस एंटीबॉडी से रिच रहता है? IgA। इसके अलावा जब फीटस माँ की यूटरस में रहता है उस समय ये प्लासेंटा से भी कुछ एंटीबॉडीज प्राप्त करता है। तो ये दोनों एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे बेटा? पैसिव इम्यूनिटी के। अब हम बात करते हैं वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन की। तो जो इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन है, इसका जो सिद्धांत है वो इम्यून सिस्टम की मेमोरी पर बेस्ड होता है। तो आगे हम बात करते हैं वैक्सीनेशन क्या होता है और वैक्सीन क्या होता है। तो वैक्सीन क्या है? प्रिपरेशन या सस्पेंशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन्स ऑफ पैथोजेंस या इनएक्टिवेटेड या वीकेंड पैथोजेंस। इन्हीं वैक्सीन को किसी बॉडी में इंट्रोड्यूस करना क्या कहलाता है? वैक्सीनेशन कहलाता है। तो जब भी हम किसी इंसान को वैक्सीनेशन करते हैं तो उसमें उन एंटीजेंस के अगेंस्ट एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हो जाता है, और ये एंटीबॉडीज जब उसको एक्चुअल इन्फेक्शन होता है तो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। जो वैक्सीन्स हैं ये मेमोरी बी एंड टी सेल्स को जनरेट करते हैं, और ये मेमोरी बी टी सेल्स क्या करते हैं? जब भी आपको सेम पैथोजेंस का अटैक होता है तो ये उसको आसानी से पहचान जाते हैं, जिससे आप में एंटीबॉडीज का मैसिव प्रोडक्शन होता है और आप इन्फेक्शन से बच जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर कोई इंसान को
कोई डेडली माइक्रोब्स का इन्फेक्शन हो गया तो उसको क्विक इम्यून रिस्पॉन्स की आवश्यकता पड़ती है, जैसे टेटेनस। तो उसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्ट प्री फॉर्म्ड यानी रेडीमेड एंटीबॉडीज का इंजेक्शन लगा देते हैं या एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन लगा देते हैं। जैसे हम स्नेक बाइट की भी बात कर सकते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, रेडीमेड एंटीवीनम का इंजेक्शन लगाते हैं। तो इस तरीके का जो इम्यूनाइजेशन है उसको हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन। आगे हम बात करते हैं जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, इससे हम क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया और ईस्ट है इनमें हम एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड और पैथोजेंस को बनाते हैं, जिससे एक लार्ज स्केल पर वैक्सीन का प्रोडक्शन किया जा सकता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ये किससे बनाया गया, ईस्ट से। तो ये इसका जो वैक्सीन है इसको हम बनाते हैं किससे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से। अब हम बात करते हैं एलर्जीज की। जब भी हम कोई नए प्लेस पे जाते हैं तो हमको अचानक ही स्नीजिंग, वीजिंग मतलब घरघराहट, ऐसी सारी चीजें सिम्टम्स दिखने लगते हैं और उनका कोई प्रॉपर रीजन भी नहीं होता है और कुछ समय बाद वो अपने आप डिसअपीयर्ड भी हो जाती हैं। तो हम में से कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ पार्टिकल्स के लिए सेंसिटिव होते हैं, जैसे पॉलन, माइट्स। ओके, अब हम बात करते हैं एलर्जी की। तो एलर्जी की डेफिनेशन क्या है, इसमें लिखा है एग्जैग्रेटेड यानी ओवर रिस्पॉन्स, बढ़ चढ़कर, ये एग्जैग्रेटेड का मतलब होता है। तो ओवर रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम टू ए सर्टेन एंटीजन प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट इज कॉल्ड एलर्जी। यानी इम्यून सिस्टम की जो ओवर रिस्पॉन्स है, जो ओवर एक्साइटेशन है, उसको हम क्या बोलते हैं, एलर्जी। और जिन सब्सटेंस की वजह से हमको एलर्जी होती है उसको हम बोलते हैं एलर्जन। एलर्जी में जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है उसका नाम होता है आईजीई। अगर हम एलर्जन के एग्जाम्पल्स की बात करें तो उसमें क्या आ जाएगा, माइट्स, डस्ट पार्टिकल्स, पॉलेंस और एनिमल डेंडर्स। एनिमल डेंडर मतलब जो एनिमल के स्किन पर जो डेंडर जैसी चीजें निकलते हैं उनसे भी एलर्जी होती है, और भी बहुत सारे एलर्जन हो सकते हैं। इनके जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्नीजिंग मतलब छींकाना, आंखों से पानी निकलना, रनिंग नोज, नाक का बहना और जो ब्रीदिंग है उसमें डिफिकल्टी होना, ये इसके सिम्टम्स होते हैं। एलर्जी एक केमिकल्स के निकलने से होता है, उसको बोलते हैं हिस्टामाइन एंड सीरोटोनिन, जो कि मास्ट सेल से निकलता है। अगर हमको किसी इंसान में एलर्जी के कॉज को पता करना है तो पहले उस पेशेंट में स्मॉल डोज इंजेक्ट करते हैं, उसके लिए एक्सपोज करते हैं और उसकी फिर हम स्टडी करते हैं। अगर रिएक्शन हो रहा है तो हम समझ जाते हैं कि ये इंसान इस चीज के लिए एलर्जन की तरह काम कर रहा है या इस इंसान में ये एलर्जन की तरह काम करेगा। अब एलर्जी को कम करने के लिए कुछ ड्रग्स होते हैं जैसे एंटी हिस्टामाइन, एड्रेनलिन, स्टीरॉयड्स, ये एलर्जी के सिम्टम्स को बहुत जल्दी रिड्यूस कर देते हैं। अगर मॉडर्न डे की जो लाइफ स्टाइल है उसको देखा जाए तो इसमें हमारी इम्यूनिटी लोअर हो रही है और हम एलर्जन्स के लिए ज्यादा सेंसिटिव होते जा रहे हैं। मेट्रो सिटी में तो आप अक्सर देखना जो बच्चे होते हैं उनको एलर्जी और अस्थमा बहुत कॉमन होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम उनको अर्ली लाइफ में ही एक प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट में रखने लगते हैं, यानी बच्चों को हम बचपन से ही धूप में नहीं निकलने देते हैं, डस्ट में नहीं खेलने देते हैं। तो बच्चे में कहीं ना कहीं वो चीज को जब वो कभी फेस करता ही नहीं है तो वही चीजें उसमें क्या बन जाती हैं, एलर्जन बन जाती हैं, उसको फ्यूचर में एलर्जीज होने लगती है। अब हम बात करते हैं ऑटो इम्यूनिटी की। तो मेमोरी बेस्ड जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये किसमें इवॉल्व हुआ है, हायर वर्टिब्रेट्स में। और इसका बेस क्या है, हमारा जो इम्यून सिस्टम एक्वायर्ड इम्यूनिटी है इसमें एबिलिटी है किस चीज की, ये डिफरेंशिएट कर सकता है फॉरेन ऑर्गेनिज्म या पैथोजेंस को और सेल्फ सेल्स में। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, दो थ्योरी चलती हैं कि पहला तो उसमें से ये है कि जो हायर वर्टिब्रेट्स हैं वो फॉरेन मॉलिक्यूल्स और फॉरेन ऑर्गेनिज्म को डिस्टिंग्विश कर लेते हैं और बहुत सारे साइंटिस्ट इसको सपोर्ट करते हैं। दूसरा रीजन क्या है कि जो जेनेटिक है और या अनोन रीजन है इसकी वजह से भी एलर्जी हो सकती है, यानी किसी के पेरेंट्स को तो उसके बच्चों में ट्रांसफर हो जाएगा और दूसरा उनको पता ही नहीं किस वजह से होती है। ठीक है, कुल मिला के ऑटो इम्यूनिटी में आपके बॉडी के सेल्फ सेल को अटैक किया जाता है जिससे वो डैमेज हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। इसका एक एग्जाम्पल है रूमेटॉइड आर्थराइटिस।
आगे देखो इम्यून सिस्टम इन द बॉडी, तो जो हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम है वो लिम्फोइड ऑर्गन्स, टिश्यू, सेल्स और सॉल्युबल एंटीबॉडीज से मिलके बना हुआ है। और जो आपका इम्यून सिस्टम है ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, किसमें? एलर्जिक रिएक्शन में, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में। अगर हम लिम्फोइड ऑर्गन्स की बात करेंगे तो क्या होते हैं ये? जहां पर ऑरिजिन और मैच्यूरेशन और प्रोलिफरेशन होता है लिम्फोसाइट का, वो क्या कहलाते हैं? लिम्फोइड ऑर्गन्स। अब बात की जा रही प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स कौन होते हैं, तो ये होते हैं बोन मैरो एंड थाइमस। यहाँ पे क्या होता है, जो आपका इमैच्योर लिम्फोसाइट है वो डिफरेंशिएट होता है किसमें? एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट में। उसके बाद मतलब मैच्यूरेशन होने के बाद ये कहाँ पे माइग्रेट कर जाएगा? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स जैसे स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स, पेयर्स पैसेज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स। जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं ये क्या है? साइट्स फॉर इंटरेक्शन विद द एंटीजन। ठीक है, तो यहां पर ये प्रोलिफरेट करेगा और क्या बन जाएगा? इफेक्टर सेल बन जाएगा। तो इफेक्टर सेल किसमें बनते हैं? ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में। ओके, आगे बात करते हैं हम, जो बोन मैरो है ये मेन लिम्फोइड ऑर्गन्स है। तो ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स कहां पर प्रोड्यूस होते हैं? आपके बोन मैरो में होते हैं। जो थाइमस है ये लोब्ड ऑर्गन है और आपके हार्ट के पास में है, और जो आपका स्टर्नम ब्रेस्ट बोन है उसके नीचे है ये। ठीक है, ये थाइमस थोड़ा सा बड़ा है और जन्म के समय ये बड़ा रहता है। ओके, लेकिन जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है इसका साइज छोटा होता जाता है। मतलब अगर हम बात करें प्यूबर्टी के टाइम की तो ये बहुत छोटा हो जाता है। बोथ बोन मैरो एंड थाइमस ये दोनों माइक्रो एनवायरमेंट प्रोवाइड करते हैं काय के लिए? डेवलपमेंट एंड मैच्यूरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। अगर हम स्प्लीन की बात करें तो ये लार्ज वीन शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसमें लिम्फोसाइट्स रहते हैं, और इसके जो फेगोसाइट्स हैं वो क्या करते हैं? ब्लड में जो भी पैथोजेंस होते हैं उनको फेगोसाइटाइज कर जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं फिल्टर ऑफ द बॉडी। ये क्या करेगा? माइक्रोब्स को ट्रैप कर लेगा। ओके, और ये रिजर्वायर की तरह भी काम करता है आरबीसी के। अगर हम लिम्फ नोड्स के बारे में बात करते हैं तो लिम्फ नोड्स क्या होते हैं? स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं जो लिम्फेटिक सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट जगह पर होते हैं। ये क्या करते हैं? ये जो माइक्रोब सेल्स को ट्रैप कर लेंगे, है ना, और जो भी दूसरे एंटीजन से उसको ट्रैप कर लेंगे, और उसके बाद कौन किसको ट्रैप कर लेंगे? जो लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड में है, और ये एंटीजन जो ट्रैप्ड हैं वो क्या करेंगे? दूसरे लिम्फोसाइट को एक्टिवेट कर देंगे और इम्यून रिस्पॉन्स पैदा कर देंगे। ओके, आगे देखो, जो लिम्फोइड टिश्यू है वो हमारे जो मेजर ट्रैक्ट है उसकी लाइनिंग के नीचे रहता है, जैसे रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव और यूरोजेनिटल जो ट्रैक्ट है ना उसकी म्यूकोसा के नीचे है, तो उसको हम बोलते हैं माल्ट, और ये लगभग 50% लिम्फोइड टिश्यू का फॉर्मेशन करता है।